हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल, आई एम योर होस्ट राजदीप सिंह। आज के इस ब्लॉग में हम जा रहे हैं बीआर हिल्स, जिसे बिलीगिरे रंगनाथ स्वामी हिल भी कहते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है अगर आप वन डे राइड पर जाना चाहते हैं या वन डे विजिट करना चाहते हैं किसी जगह पर, तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह आपके लिए होगी। बीआर हिल्स की बेंगलोर से दूरी लगभग 174 किलोमीटर और मैसूर से लगभग 84 किलोमीटर पड़ती है। और आपको बताना चाहूँगा, यहाँ से आपको सभी प्रकार के पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मिल जाते हैं यदि आप यहाँ विजिट करना चाहें तो। रास्ते में पड़ता है टी नरसीपुरा, जो लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है यदि आप मैसूर से ट्रेवल करते हैं तो। ये एक खूबसूरत जगह है जो कावेरी नदी के किनारे पर तट पर स्थित है, जहाँ पर एक टेंपल भी मौजूद है भगवान विष्णु को समर्पित। ये टेंपल काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ आप चाहें तो थोड़ा समय यहाँ पर भी बिता सकते हैं। यहाँ कावेरी नदी के किनारे स्थित गुंजा नरसिंह स्वामी टेंपल भी स्थित है, जो विजयनगर साम्राज्य से संबंध रखता है। बेहद ही प्राचीन मंदिर काफ़ी खूबसूरत कलाकृतियों से भरा हुआ है, यदि आप यहाँ विजिट करना चाहें तो इसे भी विजिट कर सकते हैं। टी नरसिंहपुर को दक्षिण की काशी के रूप में भी जाना जाता है। इसका पौराणिक महत्व होने के कारण बेहद ही लोकप्रिय दार्शनिक स्थल भी है ये। टी नरसिंहपुर में कुछ पल बिताने के बाद हम निकल चले अपने अगले डेस्टिनेशन बीआर हिल्स की तरफ। स्टेट हाईवे 57 टी नरसिंहपुर से बीआर हिल्स की तरफ जाता है। ये रोड काफी स्मूथ थी, आप आराम से इस रोड पर क्रूजिंग का आनंद ले सकते हैं। इस रोड के दोनों तरफ स्थित हरे भरे पेड़ हमारी यात्रा के अनुभव में चार चांद लगा रहे थे। इसके रास्ते में कृष्णा कट्टे डैम भी पड़ता है, जिसकी शॉट्स मैं नहीं ले पाया किसी कारणवश। थोड़ी दूर पर चलकर हमें बीआरटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का गेट भी मिला, जो कि फॉरेस्ट गार्ड के अंदर में आता है। यहाँ एक फॉर्मल एंट्री करने के बाद आप इसके अंदर दाखिल हो सकते हैं। अंदर का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत है। इस सेंचुरी से गुजरते वक्त आप अपनी गति का बेहद ध्यान रखें, क्योंकि ये जंगली जानवरों से घिरा हुआ इलाका है, तो आप अपनी गति ना ज़्यादा ही तेज़ रखें ना ज़्यादा धीमी रखें, और साथ में आप आसपास के नज़ारों का आनंद भी लेते हुए चलें। जैसे जैसे हम जंगल के अंदर दाखिल होते जा रहे थे, वैसे वैसे आसपास की खूबसूरती भी बढ़ती जा रही थी और मेरे बीआर हिल्स पहुँचने की उत्सुकता भी बढ़ रही थी। बीआर हिल्स के व्यू पॉइंट तक पहुंचने के लगभग दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो सीधे आपको व्यू पॉइंट के पास ही जाता है, और दूसरा आपका स्टेप्स का रास्ता है, जो लगभग 1000 स्टेप से मिलकर बना हुआ है। मैंने 1000 स्टेप का रास्ता चुना और ऊपर चढ़ने का निर्णय लिया। ऊपर पहुंचने पर मुझे मंदिर का भव्य गोपुरम दिखाई दिया, जो कि मंदिर का मुख्य द्वार होता है, और इसके पीछे ही यहां का मुख्य मंदिर स्थित है। क्योंकि ये काफी पुराना मंदिर है, इसलिए यहां पर मेंटेनेंस का काम चलता रहता है। इस समय मैं पहुंचा उस समय वहां पर मेंटेनेंस का काम चल रहा था, इसीलिए मुख्य मंदिर बंद किया हुआ था।
मंदिर के समीप ही व्यू पॉइंट भी स्थित है, जहां पर प्रसाद वितरण के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु जन मंदिर में दर्शन करने के बाद यहां पर प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ा और व्यू पॉइंट की तरफ प्रकृति के नज़ारों को अपने कैमरे में समेटने के लिए रुका। ये जगह एक परफेक्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन है। यदि आप एडवेंचर लवर हैं तो यहाँ पर आप अपना वीकेंड भी प्लान कर सकते हैं। एक रिजॉर्ट भी यहाँ मौजूद है, साथ में ट्रैकिंग, कैंपिंग और राफ्टिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। इस व्यू पॉइंट से चारों तरफ फैले हुए पहाड़ और जंगल बेहद ही खूबसूरत नजर आते हैं। साथ ही आपको बता दूं, यहाँ पर बंदर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद हैं, तो कृपया उनसे भी सावधान रहें। बीआर हिल्स पर मौजूद ये मंदिर बिलिगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, मंदिर का मुख्य भवन है। मेंटेनेंस का कार्य जारी होने के कारण इस समय उसको बंद किया गया था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। यदि आप वीकेंड ट्रिप्स एंजॉय करते हैं और आउटिंग पे जाना पसंद करते हैं, तो ये डेस्टिनेशन बहुत ही खास डेस्टिनेशन है आपके लिए। बेहद ही खूबसूरत नज़ारों से लैस रास्ते, साथ ही व्यू पॉइंट के दृश्य बेहद ही मनमोहक हैं। तो इस प्रकार हमारी इस यात्रा का यहाँ समापन होता है। मिलते हैं आपसे फिर किसी यात्रा पर किसी अन्य ब्लॉग में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। इफ यू लाइक द वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। Thank you for watching the video and see you in our next vlog.